नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज आपको मिलेगी नवरात्रि की कोई रेसिपी, क्योंकि नवरात्रि के व्रत आने वाले हैं। तो ऐसे में 9 दिन के व्रत होंगे, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ नया खाने को मन करेगा, क्योंकि एक जैसा खाना तो रोज़ाना खाया नहीं जाएगा, क्योंकि बोर हो जाएंगे खाते खाते। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आलू से हम कुछ ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं और वो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैंने लिए हैं 4 आलू, इन्हें मैंने छील लिया है और अब इन आलूओं को काटेंगे। तो इन आलूओं को मैंने, देखिए, ना ज़्यादा पतला किया है ना ज़्यादा मोटा। तो जो बाकी के आलू हैं वो भी ऐसे ही काटेंगे। आलूओं को मैंने 3 से 4 बार धो लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ठंडा पानी फ्रिज का। अगर फ्रिज में ठंडा पानी नहीं रखा तो आप बर्फ़ का पानी बना लें। तो 3 से 4 मैंने इसके अंदर डाल दिए क्यूब्स, आइस क्यूब्स डाल दी, क्योंकि पानी थोड़ा कम ही ठंडा था। ये इतना पानी डालना है कि ये जो आलू है अच्छे से डूब जाए। और अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 1-1.5 घंटा हो गया है आलूओं को पानी में। अब इन आलूओं को छान लेंगे। छिल्ली में डालने के बाद इनको थोड़ी देर जो इसका पानी है अच्छे से निकाल देंगे। फिर इन्हें हम किसी कपड़े पर फैलाएंगे। और इन्हें पोंछ लेंगे। अब इन्हें किसी बड़े बर्तन में निकाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में डालेंगे नमक, नमक व्रत वाला ही लेना है, सेंधा नमक। थोड़े से डालूंगी चिली फ्लेक्स। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप लाल मिर्च, जो ये चिली फ्लेक्स मैं बता रही हूँ, आप इसे छोड़ सकते हैं। दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया। और अगर आप धनिया भी नहीं खाते हैं तो आप धनिया भी छोड़ दें। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर तीखा खाना पसंद है तो थोड़ा जो मसाले हैं ज़्यादा डालें, कम खाना पसंद है कम डालें। आप इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, हरा धनिया अगर खाते हैं तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, वो आपका अपना टेस्ट है। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुट्टू का आटा, बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी और इसको कर दूँगी मिक्स। और 1 चम्मच मैं कुट्टू का आटा और डाल दूंगी। अगर कुट्टू का आटा नहीं है तो आप सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं, या आपके पास जो सामक होते हैं जिसे समा के चावल बोला जाता है उसका आटा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि जो हमने इस कुट्टू का आटा लिया वो अच्छे से चिपक जाए इस पर। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा सूखा सूखा है तो थोड़ा सा हाथों को गीला कर लें और इनको करें मिक्स, ताकि जो मसाला डाला हुआ है हमने और जो आटा डाला है वो इन आलूओं पर अच्छे से लिपट जाए। तो बस अब इसको करेंगे फ्राई। तो कढ़ाई में तेल डालकर मैंने पहले रख दिया था, तेल जो है गर्म हो गया है। तो अब मैं एक एक करके इसके अंदर डालूंगी आलू। जब ये आलू हम तलेंगे तो हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर इन्हें नहीं तलना है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तलना है, क्योंकि जो हमने कुट्टू का आटा डाला है इसमें या सिंघाड़े का आटा है, कहीं वो ज़्यादा जल ना जाए। ये एक तरीके से स्नैक्स है, जैसे एक चीज़ खाते खाते बोर हो जाते हैं व्रत में, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और थोड़ा ये चटपटा भी है, इसे आप अगर धनिया खाते हैं तो धनिया की चटनी के साथ बनाकर खा लें, और वैसे भी अगर बिना व्रत के बना रहे हैं इसे तो आप इसके अंदर जो मैंने कुट्टू का आटा डाला है आप उसके साथ कॉर्नफ्लोर डाल दें, उसके साथ बनाकर खाएं। इमली व्रत में इमली की चटनी भी खाई जाती है, मीठी इमली की चटनी बनाकर खा सकते हैं, उसकी रेसिपी भी आपको जल्दी ही मिलेगी। तो सारे आलू मैंने तल लिए हैं
तो ये है आखिरी के बचे हुए, इन्हें भी निकाल देती हूँ। बस इनको तलते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जब कढ़ाई के अंदर आलू डालो तब तो गैस का जो फ्लेम है वो तेज़ होनी चाहिए, यानी कि हाई होनी चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम कर दें। और दूसरा, जब भी बनाएं कोशिश करें लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से जो हम इसके अंदर आलू तलेंगे तो वो कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं। तो लीजिए, अब ये व्रत स्पेशल आलू स्नैक्स बनकर तैयार है। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और साथ में ये है गुड़ और इमली की मीठी चटनी, तो इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप धनिया खाते हैं तो धनिया की चटनी भी बनाकर खा सकते हैं इन आलू के साथ। और जब भी आप बनाकर खाएंगे यकीनन आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप इसके ऊपर नींबू रस भी डाल सकते हैं, जैसे आपको लगे कि अब ये थोड़ा मसाला आपके हिसाब से कम है तो आप इसके ऊपर से काली मिर्च नींबू का रस डाल सकते हैं। और जब आप इसे फ्राई करेंगे, यानी कि जब आप इसे जब इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे तो थोड़ा सा नींबू का रस आप तब भी डाल सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की नवरात्रि स्पेशल रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ऐसी ही और रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।